रांची के बूटी मोड़ स्थित मनन विद्या स्कूल से लापता छात्र पीयूष का शव आज रांची के जुमार नदी पुल में पाया गया, जिसको लेकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए रिम्स पहुंचे। आपको यह बताते चले कि घटना बीती रात की है कि 5 लड़के मनन विद्या स्कूल की 4 दीवारी पार कर नदी किनारे गए थे, ऐसा स्कूल प्रबंधन का कहना है। लेकिन ये बिल्डिंग के सहारे खिड़की से वो नीचे आए और नीचे आने के बाद इस बाल से बाहर निकले, यह अपने आप में सवाल। अभी हम मनन विद्या के उसी हॉस्टल में आए हुए हैं जहां से छात्र पीयूष लापता हुआ था और आज सुबह में उसकी शव बरामद की गई है। प्रबंधन का कहना है कि 1 बजे रात में सभी सोए हुए थे और उसके बाद बच्चा 5 जो ऊपर से 2 माले की डिस्टेंस है वहाँ से निकल करके 7 फीट से ऊपर की 4 दीवारी को पार किया है, जो कि CCTV फुटेज में है और यह प्रशासन के पास CCTV फुटेज कैद है। हम लोग को दिखाया भी नहीं जा रहा है। साथ ही साथ बच्चे के जब शव आए हैं तो उनके पिता से हमने जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रबंधन बता रहा है कि हमारी चूक नहीं हुई है। बार बार पूछे जाने पर भी न बच्चे की चूक बताती है और न अपना चूक, लेकिन सीधा साधा दृष्टता देखने से यही मिलता है कि प्रबंधन की चूक हुई है। और इस तरह के जब कार्य होते हैं तो अभिभावकों को सचेत होना चाहिए और ऐसे स्कूल के प्रबंधन के प्रति उनको आक्रोशित होना चाहिए और इनको घेरे में लेना चाहिए, क्योंकि आज इनके साथ हुई है, कल घटना किसी और के साथ हो सकती है। इतने बड़े विद्यालय में इस तरह की घटना और स्कूल के बगल में इस तरह से सबका मिला एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपको मिल जाएगा। कैसे भरोसा करें? हम लोग को ये नहीं भरोसा हो रहा है, आप लोग की बात पे हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है। तो दूसरा सर, हम जो थे उनके साथ, आपको अगर कोई बताएगा तो आप नहीं भरोसा करिएगा। वही पता सर, हम भरोसा नहीं कर दे रहे हैं। जब हम फुटेज देखे कि 5 बच्चे वहाँ दिख रहे हैं, 5 बच्चे जब दिख रहे हैं तो वहाँ पे पीछे फिर हमें कोई नहीं कर सकता। आप नहीं हो पाइए, शॉक्ड हैं, शॉक्ड तो हम लोग भी हैं। लेकिन नहीं लग रहा है वही तो हम क्या बोल रहे हैं, वही बात है। हमको दिखाइए तो प्रशासन के पास चला गया, पुलिस प्रशासन के पास वही चीज बोल रहे हैं। जब तक हम नहीं देखेंगे हम नहीं ले जाते, प्रशासन लेगा, लेकिन मेन तो वो तो पेन ड्राइव में ले जाए, बाकी तो सिस्टम हो गई। जो थे उनके साथ, आपको अगर कोई बताएगा तो आप नहीं भरोसा करिएगा। वही पता सर, हम भरोसा नहीं कर दे रहे हैं। जब हम फुटेज देखे कि 5 बच्चे वहाँ दिख रहे हैं, 5 बच्चे जब दिख रहे हैं तो वहाँ पे पीछे फिर हमें ग्रीन लगा हुआ है, कैसे नहीं किया? कोई नहीं कर सकता। अरे आप नहीं हो पाइए, सॉफ्ट है, सॉफ्ट तो हम लोग भी हैं। कैसे बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे? लेकिन नहीं लग रहा है भैया तो हम क्या बोल रहे हैं, वही बात है। हमको दिखाइए तो प्रशासन के पास चला गया, पुलिस प्रशासन के पास वही चीज बोल रहे हैं। जब तक हम नहीं देखेंगे हम नहीं ले जाते, प्रशासन लेगा, लेकिन मेन तो वो तो पेन ड्राइव में ले जाए, बाकी तो सिस्टम हो गई। खबर मिला 2 बजे, 2:30 तक हम लोग पेरेंट्स की रिपोर्ट कर चुके हैं। गया से यहाँ आने में जो टाइम लगा उनको, उस टाइम से हम लोग पेरेंट्स के साथ हैं और उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने ले लिया है, साथ में पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, जो इंस्पेक्टर्स जो घूम रहे थे, सर लोग जो जा रहे थे, हम भी खुद उनके साथ हैं, हम लोग सब थे और पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। तो उनसे उनको कुछ सेटिस्फैक्शन हुआ है कि हाँ, स्कूल की तरफ से जो सिक्योरिटी होना चाहिए था वो 100% हुआ है। लेकिन बच्चे अगर जाना चाहेंगे तो फिर उसको रात को भी, रात को 1 बजे जब सोने का टाइम है, बच्चे का कुछ डिसीजन उन्होंने ले लिया है, उस पर गलती हुआ है मुझे नहीं लग रहा। जिस तरह से बच्चे निकले उसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुलिस आप लोग क्या कर रहे हैं? एकदम उसके लिए हम लोगों ने आगे हमारे एक मीटिंग, हम लोगों ने उस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर आगे और भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो हमारा यही है कि हम लोग इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ पूरा खड़ा होकर के उसमें उनको हेल्प चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। आज जब तक वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के इंतजार में हम लोग सब हैं और स्कूल में भी हमारे बच्चों को भी सब बच्चे ने अपने दोस्तों को, इसलिए माहौल अभी दुख का ही है और हम लोग उससे उभरने की मौका दीजिए। उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी, जब भी आप लोग बात करेंगे, हम लोग आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं।
बच्चे किस रास्ते से निकले, क्योंकि परिजनों का कहना है कि जो बाउंड्री वॉल बताया जा रहा है, जो जगह बताई जा रही है, वहाँ से बच्चों का निकलना आसान बात है। अगर वो निकलते तो बच्चों में खरोच वरोच आती, लेकिन किसी बच्चे के शरीर पर रिपोर्ट में जो इंचार्ज जो है उनको उस बात की पुष्टि हुई है कि बच्चे कहाँ से निकले, और वही आपको बताएंगे उसका पूरा रिपोर्ट। मैम सीसीटीवी की क्या स्थिति है? सीसीटीवी का जितने फुटेज अवेलेबल था उन सब हमें उनको दिए, परिजनों को नहीं दिखाया। वो तो उधर सर ने कहा कि अगर देखना चाहेंगे तो, वो तो देखना चाह रहे थे, आप लोगों की तरफ से नहीं दिखाया गया नहीं। लोगों का सीधा सीधा सर बात देखिए, इंचार्ज जब थाना से इंचार्ज आ जाते हैं जो भी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके बाद उनका यही रहता है हमारी इन्फॉर्मेशन के बिना आप लोग पेरेंट्स को कोई भी रिपोर्ट मत दीजिए। तो जो भी, और सर खुद उनको बोले, उनके फादर से बात करके बोले आपको कुछ भी जानकारी, मैं नंबर देकर भी उनको बोला है कि आप मुझसे बात कीजिए, हम आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं देने के तैयार हूँ। हॉस्टल के वार्डन का, हॉस्टल के वार्डन, अगर बच्चे निकल रहे हैं हॉस्टल प्रबंधन या फिर कहा गया तो सिक्योरिटी, वो कहाँ हॉस्टल वार्डन सो रहे थे सर, उससे सो नहीं देना, जैसे कि सोएंगे तो बच्चों की सुरक्षा जिम्मेवारी है ना सर। लोग था सर, लॉक था क्योंकि बच्चे निकल रहे हैं, शिफ्ट वाइज नहीं होगा ना, स्कूल पे तो सवाल उठेगा ही। इसीलिए हम सर जगह आपको दिखा देंगे, जगह दिखाने से नहीं होगा। आप लोग क्या मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी का रात में कोई अरेंजमेंट नहीं होता है? सिक्योरिटी है हमारा, रात को सिक्योरिटी राउंड में ही रहता है और सिक्योरिटी भी रहता है। तो राउंड में रहते के बाद भी ऐसा कैसे होगा? हम लोग सदमे से उभरे नहीं है। तो उसके लिए अब स्कूल क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? उसे मिलवाइएगा प्रशासन, जाने उसके अलावा नहीं है। प्रशासन तो बहाना है, हम प्रशासन से पूछ लीजिए, प्रशासन हमें अलाउ करते हैं।